बदअकीदा कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को हुजूर का विसाल हुआ था तो सहाबा ने गम मनाया था और इबलीस और उसके हवारियों ने खुशी मनाई, तो तुम सुन्नी किसकी सुन्नत पर हो? और सहाबा ने कभी हुजूर की पैदाइश की खुशी तो मनाई ही नहीं, तो तुम क्यों मनाते हो? रहनुमाई फरमाए। ये जो कहते हैं कि सहाबा ने कभी हुजूर की पैदाइश की खुशी मनाई ही नहीं, ये उनका दावा गलत, बातिल और झूठ पर मबनी है। ये उनके ऊपर जो है लाजिम है कि अपने इस दावे को दलील से साबित करें। फिर ये बुनियाद नहीं है कि सहाबा ने यह काम किया या नहीं किया, असल बुनियाद यह है कि हुक्म खुदा और रसूल का है। जिस चीज को खुदा और रसूल ने फरमाया कि यह हराम है वो हराम होगी, और बतौर जबान अपने जबान से किसी और अपने दिल से किसी बात को समझ लेना कि यह हराम है, नाजायज है, बिदअत है, और फिर उसको और बढ़कर के शिर्क कहना, ये खुद इन शिर्क फरोशों का शिर्क है और ये खुद उनकी बिदअत है और ये खुद हराम और नाजायज है। उन पर दलील है उनके जिम्मे कि वो ये बताएं कि खुदा और रसूल ने किस इससे कब बना फरमाया है।